जी तो व्यूअर्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी वीडियो के नीचे जो कोने पर सब्सक्राइब का बटन आता है वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं अपने YouTube के अंदर? तो YouTube के अंदर ये जो है फैसिलिटी मौजूद है, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसको फोटोशॉप पर डिज़ाइन किया है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका डिज़ाइन करने का मेथड भी मैं इस वीडियो के अंदर शामिल कर दूँ और साथ में इसको अपलोड करने का जो प्रोसीजर है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँ। तो मेरा नाम है यासर और आप देख रहे हैं गेट नॉलेज मेरा चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपना वाटरमार्क यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर अपना लोगो का वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको इसका, ये मैंने जो डिज़ाइन किया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वाटरमार्क के तौर पर अपनी YouTube की वीडियोस के नीचे लगाना है तमाम। तो सबसे पहले YouTube.com को ओपन कर लीजिए। YouTube को ओपन करने के बाद चैनल पर अपने लोगो पर क्लिक करें और क्रिएटिव स्टूडियो पर आपने क्लिक करना है। क्रिएटिव स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, तो राइट लेफ्ट साइड पर यहाँ पर चैनल लिखा हुआ है, चैनल पर क्लिक कर लें। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से नीचे जो ऑप्शन है ब्रांडिंग का, ये वाला ब्रांडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ओके, तो ब्रांडिंग के ऑप्शन में ये देखिए, पहले से मैंने एक वाटरमार्क लगा रखा है, पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं नया लगा सकूँ। रिमूव पे क्लिक करेंगे, रिमूव किया, अब ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ऐड अ वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है और चूज़ फाइल करना है। यहाँ से चूज़ फाइल 1 MB की होनी चाहिए, उसने बताया या इसे छोटी। तो यहाँ से मैंने जो वो डिज़ाइन किया था उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन किया था, इसको मैं सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। साइज़ आप देख सकते हैं इसका KB के अंदर है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये नीचे देखें आ गया, आप उस नीचे सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ पे नीचे जो ब्लू कलर का सेव का बटन है ये देखिए, यहाँ पे अब आपने सेव कर देना है। नीचे जो सेव का बटन है इसको क्लिक करके सेव कर देना है। बस ये आपका अप्लाई हो चुका है वीडियो के ऊपर। अब एक सेटिंग करनी है, जो ऊपर डिस्प्ले नेम टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करें और इसको एंटायर वीडियो कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ के कोने पर ये आ जाएगा। ये जो प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहा है कि ये तमाम वीडियोज़ के कोने पर दिखाई देगा। इसको अपडेट पे क्लिक करना है फिर आपने। अब YouTube का मैं अपना चैनल ओपन करता हूँ, कोई वीडियो प्ले करके देखता हूँ कि उसके अंदर आया कि ये शो कर रहा है कि नहीं जो मैंने अप्लाई किया है। तो मैं अपना कोई भी एक वीडियो जो है वो अपनी प्ले कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए यही वीडियो मैंने प्ले की, आप देख सकते हैं राइट साइड पर सब्सक्राइब क्लिक है, टू सब्सक्राइब लिखा आ रहा है। जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूं तो ये सब्सक्राइब का ऑप्शन देता है। तो इस तरह कोई भी बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके। तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।